गुप्ता और आप देख रहे हैं द नेटिजंस न्यूज। खबरों के सफर में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों में। थाना एकमदुला पुलिस एवं एसओजी के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस टीम को 12 दिनों में चकरकिंडी बना रहे शातिर मास्टरमाइंड की टीम ने लिया अपने शिकंजे में। एकमदुला पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने कुछ दिन पूर्व युवती पर हुए जानलेवा हमले में सिरफिरे आशिक नेहरू उर्फ देव गुर्जर को उसके दो साथियों के साथ दबोचा। पुलिस टीम ने मुख्य आरोपी नेहरू उर्फ देव गुर्जर व घटना के सहयोगी दोस्त रघु ठाकुर और सूरज बघेल को गिरफ्तार कर भेजा जेल। उल्लेखनीय है कि 1 अप्रैल को एकमदुला के सामने गणेश नर्सरी के पास सिरफिरा आशिक ने युवती के पेट में गोली मार कर हो गया था फरार। 1/4/2022 को थाना एकमदुला क्षेत्र में सुबह सुबह एक मामला प्रकाश में आया जिसमें कि एक युवती के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। तत्काल मौके पर पुलिस टीम पहुंची, वहां मौके पर मैं भी पहुंचा, आईजी साहब भी पहुंचे। हम लोगों ने पूरे घटना की तहकीकात शुरू की। तहरीर पीड़िता की मां के द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। पीड़िता का इलाज एशियन मेडिकल में चल रहा था और उसके बाद पुलिस इस मामले की तफ्तीश शुरू की। तो दो से तीन दिन में कुछ मामला इस प्रकार खुल के आया कि दो लोग हमारे गिरफ्त में आए और उन लोगों ने बताया कि इस मामले में 5 लोग सम्मिलित थे और देव के साथ 4 अन्य दोस्त आए थे, जिनमें 2 दोस्त को पहले पकड़ लिया गया था। आज उसमें बचे हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है। देव गुजर उस महिला से प्यार करता था और वो महिला शादी करने से मना कर रही थी, इसीलिए वो जान से मारने की नीयत से उस दिन उस घर में घुस गया और उसको अपने कमरे से लाकर उसके छत पर उसके ऊपर जान की मारने की नीयत से प्रहार किया और साथ में 1 राउंड गोली भी चलाई जो उसके पेट में लगा और 1 राउंड हवाई फायर भी किया था। और इसी के गिरफ्तारी के साथ पुलिस इस पूरे घटना का पटाक्ष कर चुकी है और सभी को जेल भेजा जा रहा है। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर और अगर आप ऐसी खबरों से जुड़कर अपने आप को जागरूक करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ द नेटिजंस न्यूज पर। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो से पहले आपको समय पर अपडेट मिलती जाए और आप किसी भी जानकारी से पीछे ना रह जाएं।